हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुदीप। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 से हमें शुरू करना है। क्या है? ए नंबर व्हेन राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 1000 बिकम 15000। तो 15000 हमें देखना है, नियरेस्ट 1000, 1000 नंबर पे हम देखेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा? देखिए, 1, 4, 6, 7, 5। अब 1000 प्लेस पर देखना है तो 1000 प्लेस के नंबर को देखेंगे, ये 4000 और 5000 के बीच में आएगा। ठीक है, 5000 के बीच में आएगा। अब देखिए, ये जो 4, 6, 7, 5 है, ये 4500 से ज़्यादा है, ये इतना ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है तो अगला वाला राउंड ऑफ होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5000। और ये जो एक यहाँ पे बचा था, ये इसके पीछे ला के लिख देंगे तो हो जाएगा 15000। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है CDXVI। तो यहाँ पे CD का मतलब 400 और 10 कितना हो गया? 410। और VI कितना होगा? 416। DCC का मतलब होता है D 500, 600, 700 और 5, 707। और यहाँ पे CCLX, तो CCLX और II का मतलब क्या होता है? 262। कैसे हुआ? 100, 100, L का मतलब 50, तो 250, 260 और 262। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या पूछा है इसमें? सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट सबसे है आपका R। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको ये बनाना है कि रिपीटेशन अलाउ है और 7 नंबर का आपको सबसे बड़ा डिजिट बना। तो पहले हम बना लेंगे, क्या बनेंगे? 9, 8, 3, 1। लेकिन ये 4 नंबर का नंबर है और आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो आप इसी नंबर को कितना और नंबर चाहिए? 4 है, 3 और चाहिए, 1, 2, 3। तो 3 बार आप क्या लिख दीजिए? सबसे बड़ा नंबर आप लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओह सॉरी, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, इवन नंबर आपको चाहिए। तो इवन नंबर में देखिए, पहला, चलिए ये तो नंबर है ही, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, जैसे कि हमने लिखा 9, अब देखिए 8 जो है ना, इन तीनों में से 8 इस प्लेस पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन सभी नंबर में से 8 आपका इवन नंबर है। तो 8 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे 3 प्लेस और बच रहा है, 1, 2, 3। तो यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 9 लिख देंगे, तो सबसे बड़ा नंबर आपका ये बनेगा, 7 डिजिट का, ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर, रोमन न्यूमरल प्रीडिसेसर द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका क्या होता है? देखिए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका होता है 1000 होता है। और 1000 में से एक माइनस करेंगे, तो एक माइनस जब हम करेंगे तो इसका क्या होगा? प्रीडिसेसर होगा। प्रीडिसेसर का कोई 999। तो 999 को हम क्या लिखते हैं? तो पहले लिखेंगे सी और एम। तो सी एम का मतलब कितना होता है? 900। अब आपको कहाँ पे जाना है? 90 पे जाना है। ठीक है, तो एक्स सी का मतलब कितना होता है? 90 पहुँच गए आप। और आई एक्स का मतलब कितना होता है? 9 होता है। तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 45, द सम ऑफ फेस वैल्यू इन सर्किल। तो यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं लिखूँगा 5, 4, 6, 8, 9, 7, 1। तो 9 जो है, इसका आपको क्या चाहिए? फेस वैल्यू। और 4 का फेस वैल्यू चाहिए। तो 9 का फेस वैल्यू 9 होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 होगा। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13। अगला यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है, द फेस वैल्यू ऑफ 5 नंबर। तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 5000 होगा? नहीं, देखिए फेस वैल्यू हमेशा वही नंबर होता है, ये आपका प्लेस वैल्यू लिखा। तो पहला फॉल्स हो जाएगा। सेकंड नंबर, सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट नंबर का नंबर क्या होगा? 1, 2, 3, 4। और सक्सेसर मतलब एक पहला नंबर, तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया ना, तो ये भी गलत है। ये प्रीडिसेसर नंबर यहाँ पे दे रखा है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो 8, 5, 7, 0, 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 700। क्या होगा? 700। तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा टी। तो फॉल्स वॉज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, MMCDX का मतलब कितना होता है? तो देखिए, MM का मतलब होगा 2000, और 2000 से ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है? R। CMX, तो CM का मतलब हो गया 900, और 900, और XL का मतलब 40, और VII का मतलब 7, तो 947। और CD का मतलब कितना हो गया आपका? CD का मतलब होगा 400, फिर यहाँ पे XS कितना हो गया? 20, और ये 4, 24, 424, ऑप्शन नंबर P।
तो इसमें कौन सा सही होगा, ए का आर, बी का पी और सी का क्यू। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, इट इज़ द 100 प्लेस डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 100 प्लेस पे जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर दो होता है। तो 100 प्लेस पे देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 100 प्लेस पे यहाँ 4 है, गलत हो गया। इट्स 10,000 प्लेस इज थ्राइस ऑफ वंस डिजिट। तो 10,000 प्लेस आपका क्या होगा, ये होगा, और वंस प्लेस हो क्या इसका तीन गुना है, हाँ तीन गुना है, ये भी इसका तीन गुना है, ये भी ठीक है। क्या ये इसका तीन गुना है, नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2, 3, 6 होना चाहिए था यहाँ पे। अब इट्स वंस डिजिट इज प्रीडिसेसर ऑफ 100 प्लेस। तो वंस डिजिट जो है 100 प्लेस पे उसका प्रीडिसेसर है, बिल्कुल ठीक है, ये इससे एक ज़्यादा है, ये भी एक इससे ज़्यादा है। अगला, इट्स लाख प्लेस इज द सक्सेसर ऑफ टेंथ प्लेस डिजिट। तो टेंथ प्लेस डिजिट नंबर पे क्या है, यहाँ पे 4 है, और इसने क्या बोला है कि लाख प्लेस पे जो नंबर है, लाख प्लेस पे 6 है, तो क्या इसका आंसर होगा, नहीं, ये इसका प्रीडिसेसर नहीं है, लेकिन 4 का प्रीडिसेसर 5 होता है जो लैग पोजीशन पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनकरेक्ट मैच यहाँ पे करेंगे, देखिए 37,03,300, तो ये तो ठीक है, 37,00,300। 50,09,000, तो ये कितना हो जाएगा, 50,09,000 हो गए, ये 59,00,000 लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा, तो यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 50 पे, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। राउंड अप नियरेस्ट 1,000, इसका 1,000 लिखी थी कि 4, 6, 7, 9 है, तो इसका नियरेस्ट 1,000 कितना होगा, 5,000 होगा, और यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो 55 हो गया। इसके बाद राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस, तो टेंस में इस पे कौन सा है, 65 का नियरेस्ट टेंस आपका 70 होगा, तो इसका आंसर बनेगा 82470, ये हो गया, और ये 55000 हो गया, और यहाँ पे 64840 राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 100, तो नियरेस्ट 100 यहाँ पे कितना होगा, 850 है, तो नियरेस्ट 100 इसका 900 होगा, और यहाँ पे 64900, तो कौन सा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, यहाँ पे देखिए 2021 के क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है, नंबर लिखा गया है 920873, इसमें से ये बताया गया है कि 2 और 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, उनके बीच का डिफरेंस, तो 2 और 7 का डिफरेंस निकाल, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 1 2 3 4, और 7 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 70, इसको माइनस करेंगे 0, और यहाँ पे 10 में से 3991, तो 19930 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, पहले तो आपको इसे काउंट करना पड़ेगा कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, यहाँ पे 1, 2 है, 1, 2, 3 यहाँ पे 3 है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 4 है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 है, तो कौन सा नंबर बन रहा है। और साथ ही साथ क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका सक्सेसर क्या होगा, तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4, 3, 2, 6, 0, 7 कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, द हाइट ऑफ करंट CLX का मतलब कितना हो गया, देखिए C का मतलब 100, L का मतलब 50 और X का मतलब 10, तो 160 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ हाइट साहिल, CL का मतलब कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 50 और 152 सेंटीमीटर। तो इसमें से क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन ज़्यादा बड़ा है, तो करण ज़्यादा बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे आते हैं, देखिए CM का मतलब होता है 900, 950, 60, 965। MC का मतलब कितना होता है, M का मतलब 1000, 1100, 1200, और XL का मतलब होता है 40 और ये 5, तो कितना हो जाएगा 1245। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो साइन लगेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेशनल सिस्टम में आपको नंबर बताना, पहले तो एक काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4 ये 4 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 हो गया, 1, 2, 3 यहाँ पे 3 हो गया, ये 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। अब देखिए इसको नंबर पढ़ेंगे कैसे, इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना है, तो 3-3 का ये होगा, तो ये हो जाएगा 4,530,607। तो कहाँ पे है ये, ये है आपका डी नंबर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्त यहाँ पे हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब इसके बाद जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा अगला चैप्टर क्या है, कॉम्पिटिशन ऑपरेशंस, ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, साथ ही साथ अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं तो मेरा QR कोड है, आप इसे स्कैन करके पे कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, और फिलहाल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं कि आप करिए ही, नहीं करना है मत करिए। एंड फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।